नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा पेटीएम पोस्टपेड के बारे में। पेटीएम पोस्टपेड में एक अपडेट है जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। यहां पर स्क्रीन देखिए, पेटीएम पोस्टपेड में जब आप अब पेमेंट करेंगे पेटीएम पोस्टपेड को यूज करते हुए किसी मर्चेंट पे, तो आपको वहां पर पॉइंट्स कैशबैक के रूप में मिलेंगे। कैशबैक पॉइंट्स जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब मैं पेमेंट कर रहा था मर्चेंट पे, तो वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले पाया। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि एक प्रूफ है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो 30 रुपए का मैंने ट्रांजेक्शन किया था और 100% आपको कैशबैक पॉइंट वहां पर मिलने वाला है जब भी आप पेटीएम पोस्टपेड को यूज करते हुए मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, पेइंग यूजिंग पेटीएम पोस्टपेड ऑन 14th अप्रैल। 14 अप्रैल को मैंने ये किया था और कैशबैक पॉइंट जो कि मुझे अर्न हो चुके हैं, स्क्रैच कार्ड आपको मिलता है और आप उस कैशबैक जो पॉइंट होता है उसको रिसीव कर लेते हैं 100%। अभी ऑफर जो है ये चल रहा है, पर देखते हैं कि कब तक चलता है। अब यूज कैसे करेंगे, आपको तो कैशबैक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 604 कैशबैक पॉइंट मुझे वहाँ पर मिला हुआ है। और उसको रिडीम नाउ जब आप करेंगे तो वहाँ पे कई ब्रांड्स हैं जहाँ पर आपको वाउचर मिल सकता है और जो आपके कैशबैक पॉइंट्स होंगे वो वहाँ पर लिखा रहता है। और आपको कितने कैशबैक पॉइंट के बाद वो वाला वाउचर या फिर कुछ परसेंटेज का जो ऑफ मिलता है किसी ब्रांच पर, वो आपको देखने को वहाँ पर मिलने वाला है। तो कैशबैक पॉइंट अगर आप यहाँ से अर्न करते हैं पेटीएम पोस्टपेड को यूज़ करते हुए, तो आप उसको यहाँ पे जा करके रिडीम वाले जो ऑप्शन है कैशबैक पॉइंट, वहाँ पे जा करके आपको यहाँ पे ब्रांच बहुत सारे दिखेंगे, उसमें से जो भी आपको ब्रांच पर अगर कुछ वहाँ पर लेना है या फिर आपको लगता है कि वहाँ पर यूज हो सकता है, तो वहाँ पे आप कुछ परसेंटेज का वाउचर वहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद ऑनलाइन इसको यूज कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। तो ये था पेटीएम पोस्टपेड में अपडेट। आपको बताना चाहूंगा कि एक बार ये और चेक कर लेना, मैंने देखा था कि पेटीएम पोस्टपेड में तो ये जो कैशबैक पॉइंट का ऑफर है चल रहा है, लेकिन UPI और बैंक ट्रांसफर करने वगैरह पर भी चल रहा है। तो देख लेना, अगर मिलता है तो वहाँ पर भी अच्छा ही होगा, और जब कैशबैक पॉइंट आपको मिल जाता है तो उसको आप यूज कर सकते हैं अदर ब्रांच पर, जो कि मैंने अभी आपको बताया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे से कुछ रह गया है तो कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले, लोगों को भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।